नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय पीडी कोल जहानगंज फरुखाबाद में, और ये हमारे साथ बहुत सारे किसान लोग हैं, और ये सत्येंद्र कुमार गुप्ता पतंजा वाले ये कमीशन एजेंट हैं यहाँ कोल में, और वैसे अपनी आड़त की दुकान भी है फरुखाबाद में। और अपना क्या नाम है भैया? अतुल कटियार। अतुल कटियार जी हैं, ये किसान ही हैं? किसान है। और बाकी आप लोग कहाँ से? सब किसान ही हैं सब लोग? अच्छा, आलू बेचे आज कैसे बिके? रेट बताओ। 301, 310, 311 रुपया ऊंचे में आज 35 रुपया तक देखो। 335 रुपया पैकेट, 53 किलो की भाड़ा छोड़ के। भाड़ा अलग, भाड़ा अलग, ये किसान के पैसे हैं। ये तो सफेद आलू है बिके आज। हालन वगैरह कैसे रहे? बेची है 450 से लेके 521 तक। 450 से 521 रुपये। अच्छा, तो बाजार तो इस टाइम कुछ मतलब ठीक ही ठाक है? न बहुत तेजी है न मटी है। बिक्री कैसी है इस टाइम? बिक्री कम है। बिक्री कम है, पर्ची ज्यादा है। पर्ची ज्यादा है, पर्ची ज्यादा। और हमने तो कोल्डों में ऐसा देखा कि बिक्री पर्ची कम है, लिवाल ज्यादा है। ऐसा है, मेरे यहाँ आलू इतना बिका हुआ है, परसों हमने 6000 कट्टे आलू बेचा। हाँ, परसों वाले। हाँ, अब वो 6000 कट्टे 4-3 व्यापारी को लिया जी, तो गाड़ी 4-4 हो गई जी। अब 4 इस टाइम आलू उठता है चौथे दिन, वैसे उठता था दूसरे दिन जी, तो इसलिए पर्चियाँ आलू इकट्ठी हो गई। मतलब बैलेंस जो बिक्री हो चुकी है वो बैलेंस हो गया, वो बैलेंस है, वो बैलेंस हो गया। तो कट जाएगा, व्यापारियों के पेट खाली होंगे तो फिर बिके। कल तो हम गए थे यशोदा कोल्ड में, वहाँ पे भी सौदा नहीं हुई। सौदा क्या मतलब, एक भी पहले तो एक भी लाट अच्छी थी नहीं, लिवाल थे खूब अच्छे वाले, और लाटें अच्छी नहीं थी, किसान भी ज़्यादा नहीं थे। तो वो ये बता रहे कि पर्चियाँ कम आ रही, लिवाल तो है हमारे पास, हमारे किसान भी बेच रहे आलू और व्यापारी भी खरीद रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा ज़्यादा व्यापारियों को आलू नहीं दे रहे हैं। एक व्यापारी को 2-3 मीटर बैलेंस करते हैं टेबल। अच्छा, जब वो निबट जाएगा तब देखें, तेजी मंडी में ठीक नहीं रहता। आज से पहले बिक्री कब करी थी? परसों वाले। आज जो बिक्री, आज कितने पैकेट बिक्री करी? आज होंगे 2000 करीब, 2500 रुपये, 2500। और परसों जो बिक्री हुई थी कितने पे? 5000 से ऊपर थे भाई। वही हम वही बता रहे हैं कि मतलब बिक्री सबकी जो है थोड़ी नीचे की तरफ गई है। अब वो किसी की तरफ, किसी की गई है पर्चियाँ ना होने की वजह से, किसी की बैलेंस जो है डाउन है, बिक्री डाउन है, पर्चियाँ अभी हमारे पास 3000 पैकेट की और। अच्छा, पर्चियाँ भी और हैं। अच्छा, तो अभी मौसम जो मिजाज है मौसम का, थोड़ा कटने में टाइम लग रहा है, आलू जो है सूखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं थोड़ा आलू ज्यादा बरसात की वजह से मॉइस्चर ज्यादा है, इसलिए मतलब सूख नहीं रहा जल्दी। सिलचर गुवाहाटी के लिए आलू लग रहे, लोकल से हमारे यहाँ कम व्यापारी जी जी, तो वो सब सुखा के चौथे दिन आलू है। निकासी विकासी क्या पोजीशन है अपने यहाँ? निकासी हमारे यहाँ 50,000 बोरी कट्टी, 60,000 मानो बिक्री। अच्छा, बिक्री 60,000 55 से 60,000 बिक्री होती है। अच्छा, और निकासी जो 50,000 बोरी बाहर हो चुकी है। कैपेसिटी कितनी? 4.5 लाख कितनी है? कैपेसिटी है 375 है, 375। अब वही 4.25 गया, 4.25 लाख। तो इस हिसाब से निकासी तो ठीक ही है? नहीं नहीं, ठीक तो नहीं, ठीक नहीं है। पिछली साल हमारा जून में जो है 71,000 कट्टे निकल चुका। अच्छा, ये जुलाई के महीने में भी आज 5 दिन हो गए जी, ये समझ लियो आप। नहीं तो पिछली बार 15 मई से निकासी शुरू हुई, आपकी निकासी डेट इस बार 1 जून के बाद निकासी शुरू हुई है। और 1 जून के बाद निकासी शुरू हुई तो कोल्डों में निकासी मेरे ख्याल से करीब करीब अपने फरुखाबाद के रेशियो जो है करीब करीब 12% के आसपास, 12-13%। तो एक महीने में 12-13% आलू निकल जाना मतलब वो तो खराब नहीं है। खाली अंतर इतना ही है कि पिछली बार 15 मई से कोल्ड खुल गए थे, लेट हुआ, और इस बार 1 जून से खुले तो वो हिसाब से वो ही थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन एक महीने का अगर रेशियो देखें, एक महीने में 12% आलू निकल गया है, तो वो हिसाब से कम नहीं है। लेकिन ये महीना नहीं जाएगा, हाँ इस महीने में बजट ही वो आज कटा कल लोड हो गए। अच्छा, अब ये आलू कम से कम 1-2 दिन फादिल लग रहे हैं जी आलू, जैसे पिछले महीने में 50,000 कटा जी, तो ज़्यादा ज़्यादा 30,000 कटेगा, बहुत ज़्यादा कटेगा। अच्छा, मतलब इतना सूख नहीं पाएगा, इतना सूख नहीं, सूख तो उतना ही पाएगा जितनी बरामदेम जगह है सबके। आलू तो बरामदा पूरा फूल है। हाँ, बरामदा तो ये सब लगे हुए हैं, पीछे तक जो है सभी फूल है, और ये हटेगा तो दूसरा लग जाएगा। ऊपर भी कटा, ऊपर भी पूरा जितना। अच्छा, ये उतना ही ऊपर भी कटा। अच्छा, ऊपर ऊपर भी कटा है, बरामदे हैं सब फूली।
मिल गया थोड़ा बहुत तो सौ दो कट्टे यहाँ भी खा ला है, खा लिया सौ दो ऊपर भी कहीं शाम तक भर जाए। हाँ हाँ वो तो मान लो एक उठता है लाट तो दूसरी लग जाती है लमदम दो ढाई दो हजार कट्टे तो कटे ही पड़ा। बाजार पिछले दिनों को देख के तो बाजार अभी लगभग सही है, लगभग ठीक है पिछले दिनों को देख के, वैसे तो मतलब नहीं ठीक है। पिछले दिनों में जो बिक्री हो रही थी 400 रुपया पैकेट की बिक्री हो रही थी बाड़े की, वो अब 450 इक्का दुक्का आलू जो है बढ़िया वाले 450 के ऊपर भी निकल जाते होंगे। 465 हाँ तो 470-71 रुपये भी बिक जाते हैं आलू भिदवाड़े के। निकासी तो लगभग एवरेज में मतलब थोड़ी कम रहेगी होगी पिछले, अगर आप उसमें देखेंगे थोड़ी कम रहेगी होगी निकासी। अब 65,000 पैकेट अब 60,000 गया, वो पहले बता रहे अब 71,000 50 कट गया 60 की बिक्री हो गई आपको। अब पिछली साल इन दिनों में आपकी 70 निकासी हो गई थी, 71 जून ये 5 दिन फाटे ले। अच्छा इसमें ये जुलाई में ये 5 दिन और चले गए, 5 दिन मान लो 5 जुड़े 7.5-7 हज़ार अब लोग होना चाहिए 75-80। आलू की बिक्री जो है इसी 15 दिन में ज़्यादा हुई है, पिछले 15 दिन तो ऐसे खाली गए, इस रेशियो से बिक्री होती तो और ज़्यादा। जून में खूब आलू निकला हुआ है। मतलब ये बताइए अभी सब्जियों वब्जियों के रेट आसमान में है, सब्जी बहुत है 160 रुपये, इसका फर्क जो है मतलब देखो सवाड़ी रेट क्या, मतलब डिमांड है मेन तो आलू ही है ना, बाकी सब्जी तो सवाड़ी रेट में चलती है और मेन आलू है तो आलू भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, और बाकी सब्जियां मतलब जो 20 रुपए बिक रही थी वो 150 रुपए पहुंच गई हैं। आलू की बहुतायत है, बहुतायत मतलब कितनी बहुतायत, मंडियों में बहुतायत हो गया तभी। अच्छा बाजार टमाटर एकदम आना कम हो गया, 20 रुपए वाला टमाटर 150 हो गया, वहाँ मंडी में पूरी सब्जी मंडी में देखो दो क्रेट टमाटर लगा हुआ बैठे 40 क्रेट टमाटर। अरे आलू जैसे मतलब हमारे पास ज़्यादा भी होगा तो कितना 10% ही ज़्यादा होगा ना, 10% भी तो ज़्यादा नहीं होगा। हाँ 10-15% भाई तो ज़्यादा अगर होगा तो 10% भी तो ज़्यादा नहीं होगा, 10 के आसपास है। तो जो जिस हिसाब सब्जियों के रेट बढ़े हैं आलू के नहीं बढ़े भाई, हमें लग रहा है भाई आलू के भी बढ़ना चाहिए वो हिसाब से कि आदमी मतलब 50 रुपये किलो तुरई और भिंडी ये 60 रुपये किलो कैसे खा पाएगा, लेकिन इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। हाँ इसमें खाली कोई स्लाइडली आगे बढ़ेंगे ऐसा ही मौसम बना रहा, बारिश चलती रही तो मौसम कुछ बदला। बारिश अभी तो जो मतलब जो नेट भी दिखा रहा है वो तो अभी पिछले सप्ताह 20 रुपए किलो लाए थे हम, आप 35 रुपए लाए हैं। हाँ अभी सब चीज़ की रेट बढ़ गए, आम भी अभी अगले सप्ताह 50 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, सभी की रेट बढ़ गए वो हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आलू के भी रेट बढ़ने चाहिए। हाँ क्योंकि सब्जियाँ जब देखो 50 रुपये किलो 60 रुपये की सब्जी है वो नहीं खा पाएगा आलू, तब आलू किसान के गाँव में कुछ मिल भी नहीं रहा तो बढ़ना लाजमी भी है। हाँ वो तो मिलने वाली बात तो नहीं है उसमें क्या, मतलब अगर 450 बिकेगा तो उसको वही ज़्यादा ज़्यादा 250 रुपये पैकेट के दाम मिलेगी, इतनी लागत आ जाती तमाम बोरी 1.5 हज़ार रुपये 250 रुपये के दाम मिलेंगे उसमें, वो तो वही जिस रेट में बेचा नहीं था उसने जिसके लिए कोल्ड में डाला था, बात यहाँ पे भी वही है वही है इस रेट में भी किसान के दाम मुश्किल पे हो जी। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।